नमस्कार दोस्तों, अस्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक न्यू ब्रिज सीलिंग फैन है, ये वाला देखिए, इस पहचान ले। मैंने इसे खोल रखा पहले से ही। ये पंखा इस टाइप का दिखता है और अक्सर इस पंखे से पूरे भारत के लोग या पूरी दुनिया के लोग परिचित होंगे, क्योंकि ये पंखा बहुत अच्छी क्वालिटी पंखा, ओरिएंटल पंखा है ये, तो पंखा अच्छी क्वालिटी आता है दोस्तों। लेकिन इसके अंदर एक कमी आती है, इस कवर को आप देख रहे होंगे कितना पतला कवर है ये। अक्सर अगर देखिए, बेरिंग निकालने का है अपने को, बेरिंग डालना है, मतलब बेरिंग डालना है तो ये कवर तो निकालना पड़ेगा, इसके अंदर हल्का तो करना पड़ेगा। लेकिन जाम है ये, इसको कैसे निकालेंगे? ना तो आप पुलर लगाएंगे तो भी टूट जाएगा ये, इतना पतला है। अगर आप ठोकेंगे तो भी टूट जाता है ये। तो मेरे पास एक आइडिया है दोस्तों, अगर आप इस आइडिया निकालेंगे तो वो कवर बिल्कुल टूटेगा नहीं और बिल्कुल सेफ निकल जाएगा ये। दोस्तों अक्सर मेरी दुकान में लोग ये कवर टूटा हुआ कवर लेके आते हैं और सेठ एक कवर दे दो। इस दोस्तों ये दुकानदार की बात कर रहा हूँ मैं, ग्राहक की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्राहक तो तोड़ेंगे ही, लेकिन दुकानदार तोड़ डालते हैं, उन्हें आइडिया निकालने का। तो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, मैं जो तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से आप निकालिए, एकदम आराम से निकल जाएगा, कोई कवर टूटेगा नहीं। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक कूलर का साफ्टिंग है और दोस्तों अगर इसको निकालने का है तो थोड़ा साफ्टिंग अगर ऐसा राउंड में हो थोड़ा घिस दें, इससे क्या होता है जो आपको मान इसके अंदर से माने अपने होल के अंदर से तो नज़दीकी बढ़ जाएगी, आपको बराबर साफ्टिंग उसके ऊपर प्रेस हो पाएगा। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर दिखेगा ही आपको, यहाँ से होल के अंदर से आपका जो बेरिंग का जगह है ये देखिए, ये होल बराबर आपको यहाँ मारना है, यहाँ नहीं मारना है, क्योंकि आपने यहाँ मारा तो इसमें होल हो जाएगा और पहले पतला ही हो, यहाँ क्या होता है थोड़ा मजबूत रहता है, तो आपको फटका ही लेना है। दोस्तों ये देखो, इसको आपको ये जो कट है एक कट को ऐसा रख के मार देना है। दोस्तों मैं मारने जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं कितना आराम से साफ्टिंग निकल जाएगा ये। दोस्तों उसके लिए आपको इस तरह पकड़ लेना है, स्टार्ट उठा ले तो इस तरह पकड़ लें और आराम से छोड़ दें, एकदम प्यास निकलता है। ये कवर टूटने का कोई चांस नहीं है, एकदम सरल तरीका है ये। इस तरीके से अभी तक आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। दोस्तों देखिए कितने प्यार से निकल गया है, कहीं कोई क्रैक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कवर पतला है। अगर हम जहाँ ठोकेंगे, अगर यहाँ ठोकते तो क्या होता है, हमारा वाइंडिंग को झटका लगता है, उससे हमारा वाइंडिंग भी ख़राब हो सकता है। इससे क्या होता है, आप डायरेक्ट इस जगह पर ठोकते हैं तो उससे वजह से क्या होता है, वाइंडिंग को झटका कम लगता है, हमारा पेपर अगर कड़क है तो भी थोड़ा सेफ रहता है। इस तरह से दोस्तों आप कवर निकालें, अगर आपका कवर नीचे वाला अटक गया हो स्टार्टर के अंदर तो इस तरह कवर निकालें। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबा लें ताकि जो डाली वीडियो में उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करें और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।